ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस मजबून उर्दू जमात हफ्तुम उन्वान सबक बहादुर खातुन पेशकश नास परवीन मुआविन मौलिम जीयू एचपीएस पुलिस कॉलोनी अजीज तलबा व तलबात आज हम हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब से बहादुर खातुन नामी सबक का तीसरे नशिस्त में मुसलसिल जारी करदा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो सबक नंबर 2 और सफा नंबर 10 और 11 पर मौजूद है। अजीज तलबा, ये आपकी सबक नंबर 2 बहादुर खातुन की तीसरी नशिस्त है। हम इससे पहले 2 नशिस्त में इस सबक को पढ़ चुके हैं और तमाम मालूमात हासिल कर चुके हैं। तलबा, अब हम इस सबक के आखिरी नशिस्त को पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सबक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसके मुश्किल अल्फाज और इसके अज़दाद, इस सबक में जो भी अल्फाज माने थे उन तमाम को याद कर चुके होंगे और जो घर पर काम किया दिया गया था उसको भी तलबा आप पूरा कर चुके होंगे। ये आपकी निदाए उर्दू हफ्तुम जमात की इसका सबक नंबर 2 का हम आखिरी नशिस पढ़ने जा रहे हैं। तलबा, आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर अच्छी तरह से इस नशिस्त को सुनेंगे बगौर, इसके बाद समझेंगे और पढ़ेंगे। अजीज तलबा, आप बगौर किताब में अपनी दर्सी किताब में देखकर इस किताब को पढ़ेंगे पहले, इसके बाद मैं समझाऊंगी। हम इस जंग में हजरत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हकीकी भाई हजरत हमजा रज़ी अल्लाह सैयदुल शहीद हो गए। हिंदा बिनते उदबा ने अपने बाप उदबा जो जंगे बदर में कत्ल किया गया था का इंतकाम लेने के लिए हजरत हमजा की लाश चीर फाड़ कर आपके नाक कान वगैरह काट डाले और यहाँ तक के सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबा डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सुफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान जंग की तरफ आते हुए देखा तो आप के फर्जन जुबैर बिन अवाम को बुलाकर इरशाद फरमाया के अपने वालिदा हजरत सुफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोको, वो अपने भाई हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को इस हालत में देख ना पाएंगे। जब हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वाकिफ करवाया तो वो समझ गईं और कहा कि मैं सबर करूंगी और इंशाल्लाह जब्त से काम लूंगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश देखने की इजाजत दे दी। वो पूर्णम आंखें लिए लाश पर आई, अपने महबूब भाई के जिस्म के बिखरे हुए टुकड़े देखकर एक सर्द आह भरी और खामोश हो गई और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी और
दो चादरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके मदीने वापस चली गईं। बच्चों, ये था इस सबक का आखिरी हिस्सा। इसमें आने वाले चंद मुश्किल अल्फाज ये हैं बच्चों, हकीकी, इंतेखाम, फर्जन, पुरनम, आहबरी, मगफिरत, जब्त। बच्चों, हकीकी के माने हैं असली, जो सगे हैं उसको हकीकी कहते हैं। इंतेखाम यानी बदला, हम इंतेखाम बदले को कहते हैं। फर्जन यानी बेटा, बेटे को फर्जन कहा जाता है। पुरनम, आग भराना, पुरनम के माने हैं आग भरना। आह भरी, सर्द आह भरी, देख आह भरना, गमजदा होना, आह भरना। मगफिरत और जब्त, जब्त के माने बर्दाश्त करना, जब्त करना, बर्दाश्त करना। तो बच्चों, हम जो इबारत पढ़े हैं इसमें चंद मुश्किल अल्फाज आपको नजर आएंगे, समझ में आएंगे। इसके माने भी आपको मैं समझा चुकी हूँ, हकीकी, इंतेखाम, फर्जन, पुरनम, आह भरी, मगफिरत, जब्त। बच्चों, अजीज तलबा, अब हम इस इबारत को समझेंगे। इस जंग में हजरत सुफियान रजी अल्लाह अन्हा के हकीकी भाई हजरत हमजा सैयद शहीद हो गए। हिंदा बिनत उदबा ने अपने बाप उदबा, जो जंग बदर में कत्ल किया गया था, का इंतकाम लेने के लिए हजरत हमजा की लाश चीड़ फाड़ कर नाक कान वगैरह काट डाले और यहाँ तक के सीना चाक करके कलेजा चबा डाला। तलबा, इस जंग में सुफिया रजी अल्लाह अन्हा, कौन सी जंग? जंगे बदर की। इसमें सुफिया रजी अल्लाह अन्हा के हकीकी भाई जो हमजा थे वो शहीद हो गए। इन हमजा जो है उनके बिनत उदबा ने उनके अपने भाई उदबा के जो जंग बदर में कत्ल किया गया था उनका इंतकाम लेने के लिए उन्होंने हमजा की लाश को चीर फाड़ डाला और उसके कान वगैरह काट कर उनको शहीद कर डाला। बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लम ने जब हजरत सुफिया रज़ियल्लाहु को मैदान जंग की तरफ आते देखा, सुफिया जो जंग के मैदान में आ रही थी उनको देखकर आप क्या करें, उन्होंने आपके फजन को, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजन जुबैर बिन अवाम को बुलाकर फरमाया कि सुफिया रज़ियल्लाहु के फजन को बुलाकर समझाया कि आप अपनी वालिदा को रोको। किसको? सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को रोको वहां पर, क्योंकि उन्होंने जो है अपने भाई की इस हालत को देखकर परेशान हो जाएंगी और वो ये सदमा सह नहीं सकेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको उनके फर्जंद को कहा कि अपनी माँ को रोको। तो वो अपने क्योंकि वो अपने भाई की लाश को इस हालत में देख ना पाएंगी, वो जो भाई की जो लाश है उनको देख ना पाएंगी, इसलिए उनको सुफिया रज़ियल्लाहु को रोकने का हुक्म दिया। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी माँ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वाकिफ करवाया, हमारे सरकार जो उनको बोले थे उन्होंने उससे वाकिफ करवाया, तो वो समझ गई कि मेरे भाई को कुछ ना कुछ हुआ है, मेरा भाई शहीद हो गया है। मगर उन्होंने कहा कि मैं सबर कर लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। क्या? कि इंशाल्लाह मैं जब्त से काम लूंगी, जब्त से मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी मैं और मैं जब्त से काम लूंगी। इसी तरह बच्चों, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हजरत हमजा की लाश देखने की इजाजत दे दी। इसके बाद सरकार ने उन्हें अपने भाई की, उनके भाई यानी हमजा की लाश को देखने की इजाजत दे दी।
तो वो पूनम आंखें लिए लाश पर आई, तो वो पूनम आंखें आंसू भरी आंखें लेकर, आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो अपने आंसू भरे लेकर लाश को देखने के लिए आई और अपने महबूब भाई के जिस्म के बिखरे हुए टुकड़े देखकर, उनके जो जिस्म के जो टुकड़े हुए थे उनके कान नाक वगैरह काट दिए गए थे, वो देखकर क्या हो गए, उन्होंने सर्द आह भरी, वो बर्दाश्त नहीं करी, सिर्फ जब्त से काम लेकर एक आह भरी और खामोश हो गई। क्या करे उन्होंने, एक सर्द आह भरकर खामोश हो गए और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी, यानी उनके लिए अल्लाह इनको मग़फ़िरत दे, उनकी मग़फ़िरत की, उनके आखिरत की दुआ मांगी और उनकी दो चादरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके मदीना वापस चली गई। एक दो चादरें उनको अपने भाई के लिए दे दी ढांपने के लिए उनको, और उसके बाद क्या करें उन्होंने बर्दाश्त कर उनको, उनकी मग़फ़िरत की, आगे की जिंदगी की, उनके आखिरत की दुआ कर उन्होंने हिम्मत से काम लेकर क्या हुआ, फिर वो वापस मदीना चले गई। बच्चों, आपको यहां तक तो सबक समझ में आया होगा, हमने इसको तीन नशिस्तों पर पूरा किया है। इसके बाद आपके दर्सी किताब का सबक नंबर दो में जो बहादुर खातून है, इसको हमने तीन नशिस्त में पूरा किया है। इसके बाद मैं आपको पिछली नशिस्त में भी बताई थी कि मौना सर मुजक्कर किसको कहा जाता है, इसी तरह इसमें आपको चंद मुजक्कर और मौनस है, मौनस के मुजक्कर, मुजक्कर के मौनस क्या है देखेंगे, अनहू, अनहू के, अनहू क्या है, मौनस है, अनहा मुजक्कर है, हा? और गहरा गहरी, इसी तरह गहरा गहरी, यहूदी, यहूदियां, औरत और आदमी, ये क्या है, मुजक्कर और मौनस। अजीज तलबा, इसी तरह से जुमलों में हम चंद इस्तेमाल करते हैं अल्फाज को, तलबा आपने कई बार पढ़ा है, लिखा है और लिख भी चुके हैं कि जुमलों में अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तलबा, अगर हम आपको आपकी किताब से एक जुमला था शुजात, शुजात के माने हैं बहादुरी के, हाँ, तो हजरत इसका हम जुमला इस तरह बनाएंगे कि हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों का बड़ी शुजात से सामना किया। कितनी बहादुर थी हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बहादुर थी, उन्होंने कैसा अपने दुश्मनों से मुकाबला किया डटकर, एक औरत होकर उन्होंने हमेशा दुनिया कायम रहने तक ऐसा जंग में मुकाबला किया कि सारी दुनिया अपने आखिरत में तक इनको याद करेगी, इस जंग का वाकया और इनकी हिम्मत और शुजात की मिसाल देगी। तो बच्चों, इसी तरह इस जुमले को हमने ऐसा बनाया था कि हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों का बड़ी शुजात से सामना किया। इसी तरह शुजात के माने बहादुर के हैं, आप उसे कई ऐसे जुमले अपने अल्फाज में बना सकते हैं। और अजीज तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे कई अल्फाज बनाएंगे। हिम्मत, हिम्मत के माने है हमें हर मुश्किल काम में हिम्मत से काम, हिम्मत, हिम्मत मतलब ताकत, हिम्मत, हौसला, हाँ, तो हमको क्या है, हर मुश्किल घड़ी में, तलबा हमको ऐसे कई मुश्किल घड़ियां आते हैं जिंदगी में, ऐसे कई मुश्किल वक्त आते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, हमको बहुत हिम्मत से काम लेना है पड़ता है, बहुत जब्त से काम लेना पड़ता है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई वाक़े हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हुए हमको उसका सामना करना पड़ता है, कई वक्त हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, हमको बहुत हिम्मत से, हौसले से काम लेना पड़ता है। तो तलबा, हम क्या करते हैं, उस वक्त बहुत हिम्मत से काम लेते हैं और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इम्तिहान, इम्तिहान जिंदगी में कई इम्तिहान का सामना करना पड़ता है बच्चों। इम्तिहान, इम्तिहान जो आप इम्तिहान देते हैं साल होने के बाद, साल के बीच में आखिर में दो मर्तबा, और आपका कई मर्तबा टेस्ट लिया जाता है, दो मर्तबा इम्तिहान लिया जाता है, इसमें आप मेहनत करते हैं और कामयाब भी होते हैं, ऐसा इम्तिहान ये भी है। और इम्तिहान के माने हैं कई ऐसे इम्तिहान आते हैं, मैं इम्तिहान बोलते ही हमारे जहन में क्या आता है बच्चों, कि एक परेशान हो जाते हैं, अरे हमको इम्तिहान दे रहा है, लफ्ज इम्तिहान ऐसी चीज है जो सुनकर एकदम परेशानी होती है कि हम इसमें क्या होते हैं, इम्तिहान बोले तो हम पास होते हैं, फेल होते हैं, क्या होता है। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी में कई इम्तिहान आते हैं, कई मुश्किल मुसीबत आती है, तो उसका सामना करना पड़ता है और उसको हम मुकाबला करना पड़ता है इम्तिहान में। जिंदगी में ऐसे कई इम्तिहान आते हैं,
है जिसका हमको मुकाबला करना पड़ता है। बच्चों ऐसा आपकी दसवीं किताब में कई अल्फाज दिए गए हैं, उसको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बच्चों इसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं और आपकी दसवीं किताब में बच्चों मतन के हवाले से वजाहत करो किसने किससे कहा। तलबा ऐसे जुमले दिए जाते हैं सबक के आखिरी में कि आपकी पूरी किताब सबक को पढ़ने के बाद उस सबक को किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, ऐसे अल्फाज ऐसे जुमले दिए जाते हैं जो आपकी सबक को पूरा पढ़ने के बाद सबक का वो निचोड़ रहता है कि कौन किसको कब कहा, किसने कहा, ये आपको जुमले देकर बताना पड़ता है। तलबा यहाँ पर एक जुमला है, तुम खिले से बाहर निकलो, तुम खिले से बाहर निकलो और इसको खतल कर दो। तलबा ये जुमला किसने किससे कहा, कौन सा जुमला, तुम खिले से बाहर निकलो और इसको खतल कर दो। बच्चों ये जुमला हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा। हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हा से उन्होंने कौन कहा, सुफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। इसी तरह तलवा दूसरा अपनी वालिदा हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला को अन्हु को रोको। अजीज तलबा ये जुमला आपको अपनी वालिदा हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोको, ये जुमला किसने किससे कहा। अजीज तलबा कुछ याद आ रहा है आपको, ठीक है मैं बताती हूँ। ये जुमला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला के फर्जंद से कहा। ये जुमला रसूल अल्लाह सल्लम ने जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सुफिया रजी अल्लाह ताला के फर्जंद से कहा, उनके फर्जंद से ये जुमला कौन कहे, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। याद आया बच्चों, ठीक है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, अगर मैं लड़ने के काबिल होता तो इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होता। बच्चों इस जुमले को गौर से पढ़ेंगे, अगर मैं लड़ने के काबिल होता तो इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होता। ये जुमला किससे किसने कहा, कुछ याद आ रहा है अजीज तलबा, ठीक है ये जुमला हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सूफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा। उन्होंने कहा, क्या कहा था, कि अगर मैं जईफ ना होता तो मैं क्या सरकार के साथ नहीं होता था, क्या मैं यहाँ बैठा होता था, उन्होंने कहा था। याद आया बच्चों, हाँ तो उन्होंने हसन बिन साबित ने कहा था कि अगर मैं जईफ नहीं होता, अगर मैं मजबूर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता था, मैं कहाँ जाता था, जंग में सरकार के साथ होता था, मैं यहाँ नहीं बैठता था, जंग में सरकार के साथ होता था। तो बच्चों ये हो गए आपके मतन के हवाले से किसने किससे कहा के चंद जुमले, कौन से थे, पहला तुम खिले से बाहर निकलो और इसको खतल कर दो, दूसरा अपनी वालिदा हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह को अन्हा को रोको, तीसरा अगर मैं लड़ने के काबिल होता तो इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होता। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आपकी इस दसी किताब में एक इबारत दी गई है, इस इबारत को गौर से पढ़िए और सवालों के जवाब लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मोहब्बत, बच्चों इसका उन्वान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। एक मर्तबा जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त चोटें आईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। मदीने में ये अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये खबर सुनकर मदीने के लोग बेचैन हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इन्हीं में एक नेक बीबी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेताब होकर मैदान जंग की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में इन्हें मालूम हुआ कि इनके भाई, बाप और शोहर तीनों मारे गए हैं, लेकिन वो सबर के साथ पूछती रही कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। इन्हें पता चला कि आप जिंदा और सलामत हैं, तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। जब इन्होंने अपनी आंखों से खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो पुकार उठी, आपके होते सब गवारा है। अजीज तलबा, इस उन्वान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, प्यारे नबी से मोहब्बत कौन नहीं करता बच्चों, हमारा दुनिया में आना ही नबी के लिए है, तो हर दिल में नबी की मोहब्बत है। तो देखो बच्चों, एक मर्तबा क्या हो गया कि जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे नबी को सख्त चोट आई थी। एक जंग में हमारे नबी को बहुत चोट आई थी और उनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे बच्चों, उनके दांत जो है वो शहीद हो गए थे। तो मदीने में ये अफवाह फैल गई उस वक्त कि हमारे नबी शहीद हो गए हैं। वहां पर उस वक्त क्या हो गया, अफवाह फैल गई बच्चों। अफवाह यानी एक नई ऐसी चीज फैल गई, जो अफवाह फैल गई। तो आप एक उस दौर में, उस जंग में एक मदीने के, ये खबर मदीने के लोग, ये खबर सुनकर मदीने के लोग क्या हो गए बच्चों, तलबा बेचैन हो गए। मदीने के लोग बेचैन होकर क्या हो गए, वो लोग घरों से बाहर निकल आए। ये खबर सुनकर, ये अफवाह सुनकर के लोग परेशान होकर अपने घरों से बाहर आ गए, क्या हमारे नबी शहीद हो गए हैं। ये सुनकर उसी में एक बुढ़िया थी, एक नेक बुढ़िया थी, वो हुजूर सल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। प्यारे बच्चों, एक बुढ़िया थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी, वो आपकी मोहब्बत में बेताब होकर जंग मैदान की तरफ दौड़ने लगी। वो बूढ़ी औरत जब खबर सुनी, ये अफवाह सुनी कि हमारे प्यारे नबी शहीद हो गए हैं, तो वो बूढ़ी औरत क्या करी, बेचैन होकर जंग के मैदान में दौड़ना शुरू करी, जंग के मैदान में भाग निकली। तो रास्ते में दौड़ने लगी तो रास्ते में इन्हें मालूम हुआ कि इनके भाई बाप और शोहर तीनों मारे गए हैं। जो वो बुढ़िया थी, वो ज़ईफ औरत थी, वो जब मैदान जंग की तरफ दौड़ने लगी तो रास्ते में उसे पता चला कि उसके खुद का शोहर, भाई और बाप तीनों शहीद हो गए हैं। वो जो औरत थी बूढ़ी, उसके तीनों बाप, भाई और शोहर तीनों शहीद हो गए हैं। लेकिन वो सब्र के साथ पूछती है, उसको अपना शोहर, अपना बाप, अपना भाई जाने का कुछ गम नहीं है। वो फिर भी सबर के साथ पूछती है कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो बुढ़िया कहती है कि उसको, वो सुनती नहीं है कि अब उसका भाई, बाप और शोहर शहीद हो गया है। वो सुनने के बाद फौरन ये पूछती है कि बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, उनका क्या हाल है। इन्हें पता चला कि आप जिंदा हैं। जब उसको पता चला कि नहीं, उन्होंने जिंदा है, वो सलामत है, तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो वो बुढ़िया ने क्या करी, फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करी कि या अल्लाह, क्या जब इन्होंने अपने आंखों से खुद, बुढ़िया जब खुद अपने आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती है तो पुकार उठती है कि आपके होते हुए सब गवारा है। बच्चों, इस जुमले का क्या मतलब है, देखो बुढ़िया का कहने का मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा रहते हुए मुझे हर चीज गवारा है, मेरा उसका सारा, खुद का भाई, खुद का शौहर, खुद का बाप तीनों खत्म हो गए। लेकिन वो बुढ़िया को कुछ अफसोस नहीं है, वो बुढ़िया को सिर्फ इतना सुकून है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए मुझे सब गवारा है। वो बुढ़िया को उसका शोहर, बाप और भाई जाने का कुछ गम नहीं है। वो चाहती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं हुआ है, वो मैदान जंग में जिंदा सलामत है। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर क्या कहती है कि आपके होते सब गवारा है। बच्चों, इस इबारत को हमने पढ़ा, इसका अनुमान था
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, किसकी? ज़ईफ बुढ़िया की मोहब्बत को हमने देखा कि वो कितनी शदीद मोहब्बत करती थी, और वो बुढ़िया ही नहीं बच्चों, हम तमाम को भी हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत, उनकी मोहब्बत हर एक के दिल में रहनी चाहिए, क्योंकि हम उनके उम्मत से हैं, हम प्यारे नबी की उम्मत हैं, कि हमारे दिल में उनकी मोहब्बत रहना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, इस तरह आगे की तरफ जाते हैं। बच्चों, ये चंद चार सवालात हैं, या आप तो इस इबारत में समझ भी गए हैं कि जंग के मैदान में क्या अफवाह फैली, मदीने के लोग क्यों बेचैन थे, रास्ते में औरत को क्या खबर मिली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने के बाद इस औरत ने क्या कहा। जंग के मैदान में, तो बच्चों जंग के मैदान में ये अफवाह फैल गई कि हमारे नबी शहीद हो गए हैं। दूसरा सवाल, मदीने के लोग क्यों बेचैन उठे, क्यों बेचैन उठे? उनको ये पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए हैं, तो ये सुनकर सारे मदीने के लोग क्या हुए, घर छोड़कर घरों से बाहर आ गए। रास्ते में औरत को क्या खबर मिली, रास्ते में इस औरत को क्या खबर मिली बच्चों? हाँ ठीक है, रास्ते में ये खबर मिली थी कि उस उनके वो ज़ईफ बुढ़िया के वालिद, शौहर और बाप शहीद हो गए हैं जंग में। हाँ ठीक है। चौथा सवाल बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद इस औरत ने क्या कहा? उन्होंने ये उनको देखने के बाद कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए मुझे हर चीज गवारा है, क्योंकि उन्होंने अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई के शहीद होने का गम उसको बुढ़िया को नहीं था, वो बुढ़िया को हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा रहने का, उनके शहीद नहीं होने का, उनके अच्छे रहने का, उनके जिंदा रहने का, इसको इतना ये हुआ कि वो बुढ़िया ने कहा कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए मुझे हर चीज गवारा है। ठीक है बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको तीनों नशिस्त में तमाम सबक का उनवान हमने खत्म कर लिया है, तमाम अल्फाज माने भी हम जान चुके हैं, मुश्किल अल्फाज जान चुके हैं, अज़दाद जान चुके हैं, और हमने मतन के हवाले से भी पढ़ा है। मतन के हवाले से यानी कौन, कब, किसने, किससे कहा, ऐसी इबारतें बच्चों आपके निसाबी किताब में सबक के ख़त्म होने पर होती है। ठीक है बच्चों, हम आगे की तरफ जाते हैं। बच्चों ये जो कवायद है बच्चों, कवायद जो है इंग्लिश में जिसको ग्रामर कहते हैं, उसी तरह उर्दू में कवायद आते हैं। बच्चों कलमा जो है, कलमा जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा कहा जाता है। बच्चों कलमा के माने हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हमारी जबान से निकलता है वो कलमा है। हमारी जबान से जो निकलता है वो कलमा है। इसके भी दो किस्में हैं, कलमे के भी दो किस्में हैं। एक है मुस्तकिल कलमा, एक है दूसरा है महमिल कलमा। तलबा कलमा उसको कहते हैं जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा कहा जाता है। कलमे की भी दो अकसाम हैं, दो किस्में हैं। पहला है मुस्तकिल कलमा, दूसरा है महमिल कलमा। बच्चों मुस्तकिल कलमा जो लफ्ज बामाना हो इसे मुस्तकिल कलमा कहा जाता है। मिसाल कलम, किताब, इंसान, जानवर वगैरह। बच्चों मुस्तकिल कलमा वो है जो लफ्ज बामाना हो इसे मुस्तकिल कलमा कहा जाता है। तलबा बामाना यानी हम जो जबान से निकाल रहे हैं अल्फाज उसका कुछ माना हो, उसका सही माना हो, सही मतलब हो। अजीज तलबा हम जबान से ऐसे तो बहुत कलमात निकालते हैं, हम जबान से ऐसे बहुत कलमात बोलते हैं, जबान से हम बहुत ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन वो बात जिसमें कुछ माना हो, उसका सही मतलब हो, उसकी मिसाल है कलम, किताब, इंसान, जानवर। बच्चों कलम क्या है? एक बामाना अल्फाज है, इसके माने है एक चीज है कलम, जिससे हम तहरीर करते हैं, लिखते हैं, उतारते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये क्या है? एक बामाना लफ्ज है, उसका एक मीनिंग है कि ये कलम है। इसी तरह से किताब, किताब पढ़ने की, लिखने की, ऐसे किताब एक बामाना लफ्ज है कि ये किताब है। उसी तरह से इंसान, जानवर, ऐसे कई अल्फाज जिसके सही एक माना होता है
उसको मुस्तकिल कलमा कहा जाता है। इसी तरह बच्चों कलमे की दूसरी किस्म थी मुहम्मिल कलमा, जो लफ्ज बामाना ना हो इसे मुहम्मिल कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना वाना, पानी वानी, हलम वलम वगैरह। बच्चों हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिसके कोई माना नहीं होते। हम कहते हैं खाना वाना खा लिए क्या, पानी वगैरह पी लिए, पानी वानी पी लिए, खाना वाना पानी वानी, जिस अल्फाज के साथ हम और एक अल्फाज जुड़ाते हैं और वो अल्फाज का कुछ माने नहीं होते, ऐसे अल्फाज को मुहम्मिल अल्फाज कहा जाता है। बच्चों हम बहुत से अल्फाज बगैर माने, उसके माने नहीं होते, उसके साथ माने के अल्फाज के साथ जोड़ देते हैं और उसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वैसे अल्फाज को हम, वैसे कलमे को हम क्या कहते हैं, मुहम्मिल कलमा। अजीज तलबा कलमा क्या है ये हम जान चुके हैं, वो जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसको कलमा कहा जाता है, हम जबान से जो निकालते हैं उसको हम कलमा कहते हैं। इसके भी दो किस्में हैं कलमे के, एक था मुस्तकिल कलमा, दूसरा मुहम्मिल कलमा। मुस्तकिल कलमा जो लफ्ज बामाना हो इसे मुस्तकिल कलमा कहते हैं। मिसाल उसकी हमने दिया था कलम, किताब, इंसान, जानवर, ऐसे कई मिसालें हैं जो हमको मालूम है। दूसरा मुहम्मिल कलमा जो लफ्ज बामाना ना हो इसे मुहम्मिल कलमा कहते हैं। जैसा कि हमने मिसाल दी खाना वाना, पानी वानी, हलम वलम, ऐसे कई अल्फाज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में माने के साथ बामाने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वैसे अल्फाज को हम मुहम्मिल अल्फाज कहते हैं। ठीक है तलबा, फिर हम अब आगे की तरफ जाते हैं। तलबा हमने इस सबक को 3 नशिस्तों पर पूरा किया है, इस सबक को 3 नशिस्तों पर पूरा किया है जिसमें हमने पढ़ा, उसके बाद उसको मशकी सरगर्मियां भी की, हमने अल्फाज माने पढ़े, हमने वाहिद जमा पढ़े, हमने अज़दाद पढ़ी, हमने जुमलों में इस्तेमाल करना पढ़ा, और हमने कलमा का कवायद भी पढ़े, ग्रामर भी पढ़ी। इसी तरह से बच्चों मैं समझती हूँ कि आप तमाम बच्चे इस सबक को बाखूबी समझ गए होंगे और इसको चंद अल्फाज, मुश्किल अल्फाज या कवायद जो मैंने आपको बताया है वो आपने नोट भी किया होगा। तो इसी तरह से मैं आपको घर पर काम देती हूँ, इन अल्फाज को बच्चों जुमलों में इस्तेमाल करेंगे हम, ये आपके घर पर काम है, इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। एक है हुर्फ मैदान जंग, दूसरा है इम्तिहान। अजीज तलबा इस दो अल्फाजों को, मैदान जंग और इम्तिहान, इन दोनों को जुमलों में, अपने जुमलों में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं समझती हूँ कि आप इस सबक को बाखूबी पढ़े होंगे, समझ गए होंगे, सुन लिए होंगे और जो जरूरी है उसको नोट भी किए होंगे। अजीज तलबा इतना कहते हुए मैं इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नास परवीन, गवर्नमेंट उर्दू HPS पुलिस कॉलोनी। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।